हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या अब AEW कंपनी से निकाल जाने के बाद क्या CM Punk अब AEW कंपनी के ऊपर केस करने वाले हैं और टोनी खान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में MJF की रेपुटेशन कैसी है और बैकस्टेज में सब लोग MJF से किस तरीके से डील करते हैं। AEW कंपनी के फ्यूचर को लेकर मेरे पास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। और कोडी रोड्स ने भी CM Punk की वजह से AEW कंपनी छोड़ने के बारे में कुछ कहा है और बताया है कि क्या CM Punk कोडी रोड्स के AEW कंपनी छोड़कर जाने की मेन वजह थे। इसीलिए गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ही बात करते हैं AEW कंपनी के फ्यूचर की और जानते हैं कि AEW कंपनी के फ्यूचर को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। तो गाइज, अगर आप AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर AEW कंपनी के शोज सबसे पहले साल 2019 के अंदर TNT नेटवर्क के ऊपर आते थे, लेकिन साल 2022 से AEW कंपनी के शोज TBS नेटवर्क के ऊपर आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि TNT नेटवर्क के ऊपर काफी सारे स्पोर्ट्स शो होने की वजह से डायनामाइट शो का टीवी टाइम काफी बार चेंज होता रहता था। इसलिए साल 2022 से AEW कंपनी का डायनामाइट शो TNT नेटवर्क पर नहीं बल्कि TBS नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और अब ये शोज TBS नेटवर्क के ऊपर प्रोबेबली साल 2025 तक रहने वाले हैं। पर इस सब के बाद यहाँ पर सभी लोग AEW कंपनी के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते थे कि क्या साल 2025 के अंदर AEW कंपनी का वार्नर मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या वार्नर मीडिया AEW कंपनी के शोज को अपने टेलीविजन के ऊपर रखने के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, या फिर AEW कंपनी को अपना बुरा बिस्तर लपेट कर नए नेटवर्क के पास जाना पड़ेगा। और गाइज, यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए इस बार AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने नहीं बल्कि खुद वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर की है। और हाल फिलहाल में अपने इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए वार्नर मीडिया के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि AEW कंपनी के टीवी शोज वार्नर मीडिया और डिस्कवरी नेटवर्क इन दोनों के लिए काफी प्रॉफिटेबल है और AEW कंपनी के शोज जितना कि वार्नर मीडिया ने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए वार्नर मीडिया AEW कंपनी से काफी ज्यादा खुश है और वार्नर मीडिया आगे भी AEW कंपनी के साथ अपनी टीवी डील कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि वार्नर मीडिया ने AEW कंपनी के शोज को एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर ना रखकर बल्कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर रखा है। और स्पोर्ट्स ऐसा स्पोर्ट हो चुका है जो कि वीकली चलता है, जिससे कि स्पोर्ट्स का कोई सीजन नहीं है, यानी कि एक साल के अंदर स्पोर्ट सिर्फ साल के 3 महीने आएगा। यह स्पोर्ट साल के हर वीक आता है और इससे वार्नर मीडिया काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसलिए वार्नर मीडिया आगे भी AEW कंपनी के साथ स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के अंदर डील फाइनल करना चाहती है और AEW कंपनी के शोज को एज स्पोर्ट्स अपने नेटवर्क के ऊपर लाना चाहती है, जो बातें वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ने हाल फिलहाल में बताई है। जिससे तो गाइज, हम समझ सकते हैं कि वार्नर मीडिया को AEW कंपनी के डायनामाइट शो से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और इसलिए वार्नर मीडिया AEW कंपनी के शोज को अपने टेलीविजन से नहीं जाने देना चाहती। और प्रोबेबली इसके लिए AEW कंपनी और वार्नर मीडिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद साल 2025 के अंदर AEW कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। और प्रोबेबली इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि टोनी खान हमेशा से ही कहते हैं उसी तरीके से AEW कंपनी के फेवर के अंदर हो सकता है। तो अब देखना पड़ेगा कि वार्नर मीडिया AEW कंपनी के परफॉर्मेंस से इतना खुश है तो साल 2025 के अंदर AEW कंपनी को इस चीज से कितना फायदा होता है। और गाइज, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस अपडेट के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज, ये अपडेट हमें गारंटी देती है कि AEW कंपनी शोज काफी देर तक चलने वाले है और AEW कंपनी इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि MJF की AEW कंपनी के बैकस्टेज के अंदर रेपुटेशन कैसी है और AEW कंपनी के बैकस्टेज में MJF रेस्टर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप AEW कंपनी अंदर MJF को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी अंदर सबसे ज्यादा देर तक कैरेक्टर के अंदर रहने वाला बंदा कोई है तो कोई और नहीं बल्कि MJF है, जो कि फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट में भी अपने कैरेक्टर के अंदर ही रहते हैं और इंटरव्यू देने के दौरान भी MJF अपने कैरेक्टर के अंदर रहकर काफी सारी भली बुरी बातें कहते हैं और काफी सारी वियर्ड चीजें करते हैं जो कि खुद MJF ही कर सकते हैं। और ये सब देखकर सभी लोगों को लग रहा होगा कि गाइज, AEW कंपनी के बैकस्टेज में भी MJF अपने कैरेक्टर के अंदर ही रहते हैं और वहाँ पर MJF AEW कंपनी के हर एक रेसलर के साथ उसी तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से वो अपने पब्लिक अपीयरेंस दौरान करते हैं। पर इस सब के बाद AEW कंपनी के बैकस्टेज से एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है कि माना कि MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर या फिर अपने पब्लिक अपीयरेंस के दौरान अपने कैरेक्टर के अंदर रहते हैं और सभी लोगों को काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के बैकस्टेज की, तो AEW कंपनी के बैकस्टेज के अंदर MJF काफी शांत और काफी काइंड हार्टेड पर्सन है और MJF AEW कंपनी के बैकस्टेज के अंदर हर एक रेसलर के साथ मिलजुल कर रहते हैं और हर एक रेसलर को उनके काम के अंदर मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं और बैकस्टेज में सभी सुपरस्टार के साथ चिल आउट करते हैं, जो कि MJF के काफी अच्छे दोस्त थे। जो बातें हाल फिलहाल में MJF को लेकर सामने आई है कि MJF AEW कंपनी के बैकस्टेज में सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ अपने कैरेक्टर से बाहर रहकर बात करते हैं और MJF के सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को ही पता है
है कि एमजेएफ रियल लाइफ में कैसे है, और जो कोई एमजेएफ कितना क्लोज नहीं है उन्हें नहीं पता कि एमजेएफ रियल लाइफ में कैसे है, क्योंकि एमजेएफ दूसरे लोगों को देखकर ही डायरेक्टली अपना मूड स्विच कर लेते हैं और अपने कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि अगर बैकस्टेज में कोई कैमरा भी रहा तो एमजेएफ कैमरे के सामने अपने कैरेक्टर के अंदर रहते हैं। जो अपडेट साल फिलहाल में सामने आए हैं कि एमजेएफ बैकस्टेज में सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कैरेक्टर ब्रेक करते हैं और कैमरे के सामने एमजेएफ पूरी तरीके से कैरेक्टर के अंदर रहते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमने देखा है कि कोई ना कोई रेसलर कभी ना कभी अपना कैरेक्टर ब्रेक करता है, पर आज तक एमजेएफ ने ऐसा नहीं किया, तो देखना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट होता है जब एमजेएफ अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स ने क्या बताया कि कोडी रोड्स ने AEW कंपनी क्यों छोड़ी है, और क्या वो इसी वजह से क्योंकि उन्हें पता था कि सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। तो गाइज अगर आप कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोडी रोड्स का पिछले साल AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था, और उसके बाद से हमें कोडी रोड्स सरप्राइजिंगली AEW कंपनी छोड़कर दोबारा से WWE कंपनी अंदर जाते हुए दिखाई दिए, और WWE कंपनी अंदर जाकर कोडी रोड्स एक टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं, और कोडी WWE के अंदर काफी बढ़िया काम कर रहे थे जब तक कि वो इंजर्ड नहीं हुए। पर गाइज अगर आपने कोडी रोड्स के AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने का टाइम फ्रेम नोटिस किया है तो गाइज आप देख सकते हैं कि कोडी रोड्स सीएम पंक के AEW कंपनी अंदर आने से जस्ट पहले AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर गए थे, इसीलिए काफी सारे लोग कोडी रोड्स से सवाल पूछ रहे थे कि क्या कोडी को पता था कि सीएम पंक AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं और कोडी और सीएम पंक के बीच में नहीं बन रही, तो क्या इसीलिए कोडी रोड्स ने AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन की है। तो यही सवाल फिर एक बार एक फैन ने कोडी रोड्स से पूछा, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए कोडी रोड्स ने फिर एक बार एक ट्वीट कर बताया कि कोडी रोड्स की AEW कंपनी छोड़कर जाने की वजह यंग बक्स के साथ बीफ या फिर केनी ओमेगा के साथ बीफ नहीं थी, और कोडी रोड्स को सीएम पंक के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोडी रोड्स को पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि AEW कंपनी और कोडी रोड्स के बीच में नहीं बन रही, क्योंकि ये सब चीजें ठीक थी। पर कोडी रोड्स के AEW कंपनी छोड़कर WWE के अंदर जाने की मेन वजह उनकी एक पर्सनल वजह है जो कि प्रोबेबली कोडी रोड्स कभी नहीं बताएंगे, पर अपनी इसी पर्सनल वजह के चलते कोडी रोड्स ने AEW कंपनी छोड़कर दोबारा से WWE कंपनी ज्वाइन की है। जो बातें हाल फिलहाल में कोडी रोड्स ने ट्वीट करते हुए बताई है कि कोडी के AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने की वजह किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और कोडी AEW कंपनी अंदर भी खुश थे, लेकिन उनके पर्सनल रीजन के चलते कोडी AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर गए है। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि क्या कभी कोडी रोड्स दोबारा से WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी अंदर वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इससे AEW कंपनी काफी ज्यादा फायदा होगा। तो देखना पड़ेगा कि क्या कोडी रोड्स ऐसा करते हैं या नहीं, पर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि क्या अब AEW कंपनी से निकाले जाने के बाद अब हमें सीएम पंक WWE कंपनी के ऊपर केस करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज अगर आपने सीएम पंक को करियर के अंदर फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि सीएम पंक कभी भी हार नहीं मानते, और सीएम पंक अपने पावर के अंदर जो कुछ भी है वो जीतने के लिए अपनी तरफ से झोंक देते हैं, क्योंकि WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद सीएम पंक ने WWE कंपनी को भी केस की थी, और फिलहाल में प्रोबेबली सीएम पंक AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। और इसी के ऊपर बात करते हुए एक रेसलिंग ऑब्जर्वर लेजेंड ने सीएम पंक के ऊपर अपने थॉट शेयर करते हुए कहा है कि सीएम पंक इस तरह के इंसान है जिन्हें पैसों से काफी मतलब है, और सीएम पंक जहां से हो सके वहां से काफी सारे पैसे निकालना जानते हैं, और इसलिए पहले सीएम पंक ने WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद WWE कंपनी के डॉक्टर्स के ऊपर केस की थी, क्योंकि पंक को पता था कि वहां से पंक के जेब के अंदर काफी ज्यादा पैसे आ सकते हैं। और अब सीएम पंक टोनी खान के साथ है जो कि खुद बिलियनर है, और अगर मानो कि सीएम पंक AEW कंपनी छोड़कर भी जाते हैं तो उन्हें नहीं लगता कि सीएम पंक आसानी से जाने वाले हैं। पंक प्रोबेबली फिर एक बार AEW कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि टोनी खान एक बिलियनर है और उनसे पंक काफी सारे पैसे निकाल सकते हैं, और इसलिए सीएम पंक दोबारा से AEW कंपनी के ऊपर केस करने के लिए भी नहीं रुकेंगे, जो बातें हाल फिलहाल में एक रेसलिंग लेजेंड यानी कि डच मॉन्टेल ने कही है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि क्या डच मॉन्टेल की बातें सही होती है, और क्या सीएम पंक AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद टोनी खान के ऊपर कोई केस करते हैं या नहीं। और गाइज अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से ब्लेम सीएम पंक को दे सकते हैं कि पंक जहाँ पर से पैसे निकले वहाँ से पैसे निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?